लास्ट क्लास में कैलकुलस स्टार्ट किया था, और कैलकुलस में हमने सबसे पहले शुरू किया था लिमिट का। वैसे तो हमें पढ़ना है कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी। लेकिन कंटिन्यूटी में हम 11th के टॉपिक लिमिट को यूज करेंगे, यानी लिमिट के मदद के बिना कंटिन्यूटी को हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हमने लास्ट क्लास में पहले स्टार्ट किया था लिमिट को पढ़ना। और लिमिट कहा था हमने कि लिमिट को लाया क्यों गया था, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते थे जिनको सॉल्व करने के बाद, माइक अपना अपना ऑफ रखिएगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिनको सॉल्व करने के बाद 0 बाय 0 मिल रहा था, या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट मिल रहा था, इनफिनाइट पावर इनफिनाइट मिल रहा था, 0 पावर इनफिनाइट मिल रहा था, या डिनोमिनेटर में इनफिनाइट मिल रहा था। तो ऐसे नंबर का हमें कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन, कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, यानी एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बात किया था कि इसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। और लिमिट में हमने बताया था कि लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, लिमिट यूज करते टाइम हमारा पहला टारगेट होता है फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइज करके चीजों को अगर आसान कर सकते हैं तो हमें फैक्टराइज करना चाहिए, यानी गुणनखंड करना चाहिए। इसके बाद हमने दूसरा देखा था कि अगर फैक्टराइजेशन के बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, फैक्टराइजेशन के बाद भी ये दिक्कत बचा रह जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं रेशनलाइजेशन का। एक बात और ध्यान रखना था कि रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण, ये परिमेयकरण हम उन्हीं क्वेश्चन का करते थे जो क्वेश्चन खास करके रूट में दिया होता है। अगर क्वेश्चन रूट में दिया होगा तो उस क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन ही करेंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद तब हमने थर्ड देखा था कि अगर इन दोनों से नहीं हो तब हमें करना चाहिए अलजेब्रा का डिवाइड, यानी कि भाग देना चाहिए। और इस सबसे अगर नहीं हो तो लास्ट हमारा था फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड में हमने किसको रखा था, तो अगर हमारा क्वेश्चन साइन थीटा यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक का हो, अगर क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक का हो, ई टू दी पावर एक्स करके हो, लॉग वाला क्वेश्चन हो, तो इन सब तरह के क्वेश्चन को हमने लास्ट टाइप में रखा था, यानी फॉर्मूला में देखने को रखा। ठीक है। और हमने कल जब शुरू किया था लिमिट, तो पहला चीज फैक्टराइजेशन के ऊपर एक दो एग्जांपल देखा। इसमें एक ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन को लिखा जाता है लिमिट समथिंग एक्सटेंडिंग टू टू, और एक क्वेश्चन कल जो हमने सॉल्व किया था सो ये था, नीचे -2 था। इसमें कुछ याद रखना है, इसको पढ़ते हैं हम एक्स टेंड्स टू टू या एक्स अप्रोचेड टू टू। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एक्स टेंड टू टू पढ़ेंगे या एक्स अप्रोचेड टू टू पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, इसका सेंस होगा कि एक्स का जो वैल्यू है वो टू के बहुत करीब है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स टू के बहुत करीब है। बहुत करीब मतलब थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है,
और थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। लास्ट क्लास में हमने यही बात किया है ना, लास्ट क्लास में हम लोग यही बात किए थे ना जी। गुड। अब इसी के ऊपर हमने आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया था, क्या आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है? जो प्रॉब्लम हमने आपको दिया था उसमें किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ? चलिए एक आदमी क्वेश्चन बताइए। देखते हैं इस प्रॉब्लम को, माइक ऑफ कर लो। सबसे पहले हम पुट करेंगे फूड एक्स इज इक्वल टू ए, तो अगर इसमें आप एक्स के जगह ए रखोगे तो क्या बनेगा? यहाँ एक्स है, ए लिख देना है, फिर एक्स है ए लिख देना है, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो ऐसा वाला फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमें लिमिट का यूज करना है। तो लिमिट के लिए पहला हमको क्या देखना है, फैक्टराइजेशन। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, हाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप इंग्लिश। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए x²-a²x-a, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है x²-y² का फैक्टराइजेशन। एक बार इसको जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है, ठीक है? तो यहां इसमें भी ऐसा हो जाएगा, एक बार जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा नीचे। अब देखिए ऊपर भी एक्स माइनस ए है, नीचे भी एक्स माइनस ए है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और कटने के बाद क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए x+a। अब पुट कर दीजिएगा x बराबर a क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि x टेंडिंग टू a है, तो x के जगह पे a और प्लस इसका a, ये हो गया 2a आंसर हो गया। ये समझ में आ गया? किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? फिर से इस क्वेश्चन की बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? चलिए तो इसको मिटाते हैं हम लोग। माइक ऑफ रखिए, काम नहीं है तो माइक ऑफ रखो। बोलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हुआ है उसे बताइए। हमें इस क्वेश्चन को देखना है। अब फिर से देखिए, इस बार x किसको टेंड कर रहा है, 3 को, यानी x का जो वैल्यू है वो 3 के बहुत करीब है। 3 के बहुत करीब है यानी कि या तो 3 से थोड़ा ज्यादा होगा या तो 3 से थोड़ा सा ही कम होगा, बहुत कम नहीं होगा, जैसे 2.999 हो सकता है,
लेकिन 2.9 नहीं होगा क्योंकि वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले सब पुट करिएगा, पुट x इज इक्वल टू 3, तो x के लिए लिख रहे हैं 3, x है तो 3 और इसका क्यूब माइनस 27, x है तो 3 स्क्वायर मत 3 का क्यूब निकालिएगा, 27 माइनस 27, 3 का स्क्वायर निकालोगे 9 माइनस 9, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी ये क्या बन गया, मीनिंगलेस बन गया, मीन्स इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन लिमिट के ऊपर सॉल्व होगा। तो लिमिट में सबसे पहले क्या करने को सीखा था हमने, फैक्टराइज करने को। देखो एक ये फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को तोड़ रहे हैं अंश को, ठीक है, 27 यानी कि 3 का क्यूब होगा। देखिए a के जगह पे x है और b के जगह पे 3 है, तो इधर भी लिख दीजिएगा a के जगह पे x, b के जगह पे 3। बोलिए अभिषेक, दिक्कत है इसमें? चलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, यही क्वेश्चन था। अब ये हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का अर्थात अंश का फैक्टराइजेशन करके क्या मिला आपको, एक्स माइनस 3 मिला, इनटू में एक्स स्क्वायर मिला प्लस 3x और प्लस 9 मिला। आप देखिए बड़े का फैक्टराइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो एक ये फॉर्मूला भी आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, इसी फॉर्मूला से तोड़िएगा। इस 9 को 3 का स्क्वायर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो एक बार इसको जोड़िएगा और एक बार इसको घटाइएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपने डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किया तो आपको मिला x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। फिर देखो ऊपर भी x माइनस 3 है और नीचे भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 दोनों में कट गया। कटने के बाद क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ऊपर बचा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और नीचे क्या बचा, x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब कट गया तो फिर से करिएगा पुट x बराबर 3। अब इसमें ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में जहां जहां x दिखाई देगा वहां वहां 3 पुट कीजिए, x है तो 3 पुट करिएगा, फिर x है तो 3 पुट कर दिए, फिर x है तो 3, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 9 बाय 3 प्लस 3 6। ऊपर देखो 9 प्लस 9 प्लस 9
नौ को तीन बार जोड़ देना है, 27/6। तीन के पहाड़ा से दोनों को काटिए, 3 3 9, 3 2 6, ये आंसर हो गया 9/2। पहले ये सभी को समझ में आ गया? आदित्य तुमको आया जी? आ गया आदित्य? बात नहीं कर रहा है आदित्य? आया समझ में जी? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हुआ है तो बताइए। रंजन बात नहीं करना है। बोलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हुआ बताओ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है बता। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्वेश्चन यही था। ठीक है बच्चों, देखिए फिर वही करना है। पहले तो पुट करिएगा x इज इक्वल टू 1। यदि आप x इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में पुट करते हैं तो देखिए कि क्वेश्चन का मान कितना आता है। जहां जहां x है 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर। हाँ सर बोलिए सर। बटाने हैं एक्स क्यूब माइनस 1। चलिए तो अगर हम एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। एक्स है तो 1, 5 इंटू एक्स है यानी कि 5 गुना 1 माइनस 6 बटा एक्स है, 1 पुट कर दीजिएगा तो ये क्या मिला आपको, 1 माइनस 5 माइनस 6 बटा 1 माइनस 1। ऊपर है माइनस, नीचे है 0। तो देखो बुआ नीचे 0 आ गया। नीचे 0 आने का मतलब क्वेश्चन का कोई फिक्स, कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। तो लिमिट का यूज करने चलते हैं अभी हम लोग। तो ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और बटा है एक्स क्यूब माइनस 1। देखिए ऊपर वाला अंश को लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंड यानी इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं, इसका गुणनखंड बच्चों निकाल सकते हो। क्या होगा अच्छा ये बोला, किस स्कूल में सीखे थे ये? माइनस प्लस माइनस 3x होगा। गलती है रे। गलती है ना। देखो बीच वाला दोनों को गुना करने से ये मिलता है ना,
पहले तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करोगे, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस छ एक्स स्क्वायर। अब फिर बीच वाला को भी गुना करने से तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना होगा, यहाँ पर प्लस छ एक्स हो जाएगा, है ना। इसमें प्लस होगा, अरे ये तो ठीक है, लेकिन इसको गुना करने से देखो, जोड़ने घटाने से तो आना चाहिए माइनस पांच, लेकिन गुना करने से भी तो इतना आना चाहिए ना, वो आ रहा है क्या। ठीक है, तो इसलिए आपका गुणनखंड गलती है। वैसे इस क्वेश्चन में भी तनका सानी गड़बड़ी है, यहाँ प्लस फाइव एक्स कर दीजिएगा, पहले गुणनखंड देख लीजिए, इसका गुणनखंड क्या होगा सो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस छ, देखो इन दोनों को जोड़ने घटाने से माइनस पांच आ जाएगा, और गुना करने से माइनस छ भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में गलती क्या है कि इस क्वेश्चन में हमको एक्स माइनस में चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, अन्यथा नीचे नीचे जीरो तभी खत्म होगा जब यहाँ माइनस वाला कटेगा, कटने के लिए इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्लस करिएगा तो इस प्रॉब्लम करने से आपका दिक्कत नहीं है, आपका दिक्कत गुणनखंड से है। अब इसमें x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस छ, माइनस वन कॉमन लीजिएगा तो x प्लस छ, ये x प्लस छ और x माइनस वन हो गया। अंश का गुणनखंड, न्यूमरेटर का जब आपने गुणनखंड निकाला तो ये x माइनस वन कहां पे सर, हाँ प्लस फाइव एक्स होगा, बाकी सब ठीक है। अब नीचे वाला इसका गुणनखंड फॉर्मूला लगा देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, तो x माइनस वन एन टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस वन होगा। अब देखो अगर यहाँ माइनस फाइव रहता ना, अगर ये माइनस फाइव रहता तो ऊपर तुमको एक्स प्लस वन मिलता, एक्स माइनस सिक्स मिलता, तब ये नीचे माइनस है कटबे नहीं करता, और जब कटबे नहीं करता तो लिमिट देने का भी कोई मतलब नहीं होता। अब ये ऊपर भी एक्स माइनस वन नीचे भी एक्स माइनस वन दोनों कट गया, कटने के बाद बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स प्लस सिक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इतना आने के बाद अब क्या कर देंगे, पुट कर देंगे एक्स बराबर वन, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वन पुट करिए, ऊपर हो गया सात नीचे हो गया तीन, ये आंसर हो गया सेवन बाई थ्री। कहिए किसी को तकलीफ है इसमें, नहीं है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है आदित्य, तुमको समझ में आ रहा है जी। तो ये तो आपने देखा कि अगर सीधे सीधे लिमिट सीधे सीधे फंक्शन का एक वैल्यू जब ना मिले तब क्या करेंगे हम लोग, तब उस फंक्शन का लिमिट लगा करके
तनिका सा आगे या तनिका पीछे बढ़ के वैल्यू निकालो। इसके लिए अभी आपने एक चीज सीखा, फैक्टराइजेशन कर देना, ठीक है। अब दूसरा सीखते हैं, अगर क्वेश्चन रूट वाला होगा तब क्या करेंगे, है ना। देखिए तो सभी लोगों को रेशनलाइजेशन तो आता है, क्लास 9 में सीखे थे। किसी को नहीं आता है तो बोलो, मैं थोड़ा सिखा दूंगा। नाइन्थ का टॉपिक है रेशनलाइजेशन, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो बोलिए, मैं थोड़ा सा वो भी सिखा दूंगा। देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, हम लोगों को बेसिक जो हमें खास करके मतलब है, वो हमको मतलब है बाइनोमियल से, ठीक। हमको मोनोमियल के रेशनलाइजेशन से मतलब नहीं है, हमको विशेष मतलब है बाइनोमियल के रेशनलाइजेशन से, तो हम सिर्फ वही सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसको हमको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने का सिंपल सा मतलब होता है, परिमेयकरण का सीधा सा मतलब ये है कि जो संख्या यहाँ रहेगा इसी संख्या से ऊपर भी गुणा करिएगा और इसी संख्या से नीचे भी गुणा करिएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि बीच वाला साइन जो होगा, बीच वाला साइन उसको चेंज कर दीजिएगा, बीच वाला साइन को बस चेंज कर दीजिएगा और जो आएगा उसी से क्वेश्चन में ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन था हमारा रूट एक्स प्लस ए, देखो बीच में साइन का है प्लस का, तो हम ऊपर नीचे गुना तो करेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ गुना करेंगे, बस यह करने को कहते हैं रेशनलाइजेशन। दिक्कत इसमें, इसके लिए आपको गुना कितना से करना पड़ा है, रूट एक्स माइनस ए से, तो रूट एक्स माइनस ए को कहते हैं रेशनलाइजेटिंग फैक्टर, ठीक है। रूट एक्स माइनस ए को क्या कहेंगे, वो फैक्टर है जिससे रेशनलाइज हुआ है, मतलब रेशनलाइजेटर या रेशनलाइजेशन फैक्टर। दिक्कत, अच्छा ये तभी यूज करना है जब क्वेश्चन रूट वाला हो, अगर क्वेश्चन रूट वाला नहीं होगा तो रेशनलाइजेशन का यूज नहीं करिएगा। एक और मुख्य बात याद रखिएगा कि रेशनलाइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर का ही नहीं, न्यूमिनेटर का भी हो सकता है, मतलब अगर यही चीज ऊपर होता, मान लो यही तुमको ऊपर रूट एक्स प्लस ए होता और नीचे टू होता, तो इस बार तुमको रेशनलाइजेशन ऊपर वाला का करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स ये कि रेशनलाइजेशन हम हर का यानी डिनोमिनेटर का भी कर सकते हैं, अंश का यानी न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं, अंश हर दोनों का कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है हमारा प्रॉब्लम कैसा है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन देखे बना के, क्वेश्चन है हमको सॉल्व करने के लिए लिमिट
एक्सटेंडिंग टू वन। रूट अंडर एक्सटेंडिंग टू जीरो कर दे, रूट अंडर एक्स प्लस वन माइनस रूट किसी के पास बुक नहीं है क्वेश्चन देखने के लिए? प्लस टू माइनस आपका प्लस नहीं होगा लेकिन इलेवेंथ के बुक में होगा। ठीक है ऊपर लेता हूं माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू, क्योंकि यही क्वेश्चन हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ये क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले वही काम करना है, पहले क्या करना है पुट करना है, पुट x बराबर दो। जब x बराबर आप दो पुट करिएगा तो क्या होगा, जहां x दिखाई देगा वहां रखिएगा दो, नीचे x दिखाई देगा तो दू रख दीजिएगा माइनस दू गुने दू। अब देखो ऊपर दू से दू गया जीरो, गुने दू जोड़ दू चार, नीचे रूट चार घटाओ रूट चार, यानी क्या बन गया जीरो बटा जीरो बन गया। तो जीरो बटा जीरो का मतलब क्या, ये है मीनिंगलेस। ठीक है आई मीनिंग लिस्ट आ गया, इसलिए अब हमको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, लिमिट को अप्लाई करना होगा और लिमिट से इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा। ठीक है ना, दिक्कत दिक्कत बच्चों? अच्छा मान लो अगर ऐसा होता कि जब तुम इसमें x बराबर दू पुट किया, तो जब तुम x बराबर दू पुट करते आंसर मान लो आ जाता दू बटा तीन, तब क्या करता? अगर तुम इसमें x बराबर जीरो पुट करके सॉल्व करते और तुमको आंसर आ जाता दू बटा तीन, तब तुम क्या करते? हाँ तब कहते कि पूरे आंसर है, क्योंकि वो तो मीनिंगफुल चीज है ना भाई, दू बटा तीन आ गया तो वो तो मीनिंगफुल चीज है, उसका तो मतलब समझते हैं हम, आंसर वही छोड़ देते, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि इसमें मीनिंगलेस आया है एक खातिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, ऊपर है टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू, ये तो हुआ हमको ना पता, ये मन में कुछ कुछ क्वेश्चन सोचते हैं, जो सोचा गया सो लिख देते हैं, देखते हैं। अब देखो हुआ इसको रेशनलाइज करना होगा तो कितना से गुणा करेंगे, बस बीचवा वाला खाली साइन बदल दोगे, जब साइन बदल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस रूट दू एक्स होगा अब बटा नीचे भी होगा एक्स प्लस दू अब प्लस रूट दू एक्स। ठीक है जी,
अब देखो गुणवत् रेखा बैठ के ऊपर वाला तो गुना नहीं करना, चाहे नहीं करना, क्योंकि हमने तो रेशनलाइज किया है डिनुमरेटर, क्योंकि दिक्कत डिनुमरेटर में था, इतना जीरो में दिक्कत था। ऊपर जीरो में दिक्कत नहीं है, नीचे जीरो में दिक्कत। तो हमको रेशनलाइज क्यों करना पड़ा? नीचे वाले जीरो के बजाय। तो इसलिए गुना सिर्फ नीचे वाले को करना है, ऊपर वाला को ना करना है, ठीक है? समझे जी? तो अब ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, ये है टू माइनस एक्स एक्स प्लस टू, अगला गुना नहीं करना है, सही छोड़ देते हैं। जब नीचे तुम गुना करोगे तो एक जगह माइनस वाला एक जगह प्लस वाला, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फीलिंग आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में ए के जगह कितना है? रूट एक्स प्लस दू। तो जब एक का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आई क्या बच जाएगा? एक्स प्लस दू माइनस बी स्क्वायर। तो बी के जगह पे कितना है? रूट दू है। एक का स्क्वायर करोगे तो एक रो रूट कट जाएगा, आई क्या बच जाएगा? चलो तो अब ये कुछ ऐसा हुआ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, टू माइनस एक्स एक्स प्लस टू। अभी कैसे कट जाएगी? इधर माइनस में भी है, टू एक्स है, कैसे कट जाएगा रे? यहाँ काट के मत प्रूफ करिएगा कि ये भी मैथमेटिशियन है आप। ये माइनस में भी नीचे है भाई, तो पहले ही सॉल्व होगा, ओकरा बादे में काट कूट करेंगे। तो पहले अगर आप सॉल्व करो तो ये होगा टू, माइनस के टू एक्स है, प्लस के एक्स है, तो ये माइनस के एक्स होगा। अब कटेगा, ऊपर टू माइनस एक्स, नीचे हूं टू माइनस एक्स, तो अब कट गया। अब कटने के बाद ही क्या बचा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स प्लस टू, रूट अंडर एक्स प्लस टू प्लस रूट टू एक्स। अब यहां क्या करिएगा? पुट करिएगा एक्स बराबर टू, तो क्या बनेगा? ई टू प्लस टू, ई बनेगा टू प्लस टू, आ ई बनेगा टू इंटू टू, तो ये दो दूना चार, आई दू प्लस दू हुआ रूट चार। चार का रूट निकालो कितना? दू है ना। आई टू इंटू टू होगा फोर, फोर का रूट निकालोगे टू, चार एकरा जोड़ोगे चार, चार चौका 16 हुआ आंसर। अच्छा हम क्वेश्चन ऐसा लिखवा देंगे, नहीं होगा तो सेंड कर देंगे, भी दिक्कत का है ना, एकदम क्वेश्चन कुछ अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन इतना मुश्किल तो सोचेंगे। अच्छा चलो एक और सोचते हैं। ये बउआ आप जो सीख रहे हैं ना, ये 12th में नहीं 11th में पढ़ना था, जिसको हम रिकॉल करा रहे हैं, 11th बुक में ना दे रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। लिमिट में खोजो मिल जाएगा, अगर मिल गया तो क्वेश्चन बताओ बनाते।
टेंडिंग टू फोर बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेजोर क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहला काम है पुट x बराबर फोर, तो थ्री माइनस रूट फाइव प्लस फोर बाई वन माइनस रूट अंडर फाइव माइनस फोर है, तो ऊपर हो गया थ्री, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन का रूट थ्री, फाइव में से फोर गया वन, वन का रूट वन, लो हो गया गड़बड़ आ गया जीरो बाय जीरो। ठीक है बुआ, ठीक है यहां तक? हाँ, तो बच्चों अगर ये जीरो बाय जीरो आ गया था, क्या लिख दीजिएगा आप, मीनिंगलेस। अब यहां से होता है असली काम शुरू। देखो ए में ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया क्वेश्चन क्यों कहे हैं अभी आप समझिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू फोर, थ्री माइनस रूट अंडर फाइव प्लस एक्स, वन माइनस रूट अंडर फाइव माइनस एक्स। देख के बताइए, इसमें तो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, इसके अंश में भी रूट है और हार में भी रूट है, ठीक है, दोनों में रूट है। तो जब इसके दोनों में रूट है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनुमरेटर दोनों में रूट है, तो क्या करेंगे आप, दोनों का कर देंगे रेशनलाइजेशन। तो पहले करते हैं, देखो ब्लैक पेन से कर रहे हैं नीचे वाला का, तो नीचे वाला के बीच में माइनस है, तो तुम का दे दोगे, प्लस दे दोगे, सिर्फ बीच वाला के साइन मतलब ई साइन बदलेगा, एक आजू बाजू वाला साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, नीचे वाला हर का तो हो गया, डिनोमिनेटर का तो कर दिए, अब किसकी बारी है, न्यूमरेटर का, ओकरा कर रहे हैं लाल कलम से। देखो एकरो बीच के साइन बदलना है, तो खाली बीच वाला बदलिएगा, माने ई माइनस वाला को बदल के प्लस करिएगा, एकरा बाद दूसर कोनो साइन को नहीं छूना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि तनका तेज बनने की कोशिश कर जाएंगे और उसके अंदर वाला भी साइन बदल देंगे। रेशनलाइजेशन में सिर्फ मुख्य मुख्य जो चीज होगा ए और बी, उसके बीच का साइन बदलता है, साइड वाले का नहीं बदलता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, इसको रेशनलाइज किए हैं इसके साथ, इसका रेशनलाइज ये हुआ है, यही ना हुआ है जी। तो बस खाली गुना इसी को कीजिएगा और किसी को गुना नहीं कीजिएगा। एक्सटेंडिंग टू फोर, खाली ये दोनों के गुना करोगे, एगो माइनस वाला है एगो प्लस वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कहो, रफ में करके दिखा देंगे अभी हम। अब देखो ऐसे ही नीचे वाला इसका इससे किए हो, तो ये हो जाएगा वन माइनस फाइव माइनस सिक्स, ठीक है ना। अब ऊपर क्या बचा है,
नीचे क्या बचा है? चलिए अब ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू फोर। ये देखो माइनस फिर माइनस प्लस, और नीचे चलिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस। इस सब खेल तो कोई दिखते नहीं है हमको। आप देखो हुआ 9 में से 5 गया 4, तो ऊपर क्या हुआ तुम्हारे पास 4 माइनस 1, और नीचे -4 प्लस 1। अब ऊपर वाला से माइनस कॉमन ले लेना, तो जब ऊपर वाला से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x-4, और नीचे भी प्लस वाला को पहले लिख दे रहे हैं माइनस वाला को बाद में। x प्लस में था तो पहले, 4 माइनस में था तो बाद। इसको बस सजा दिए हैं ताकि सुंदर दिखाई दे। ये ऊपर नीचे कट गया, आप क्या बचा तुम्हारे पास, लिमिट माइनस 1+√5-1/3+√5+1। अब होगा ये माइनस बीच में लिखिएगा, है ना, और नौ तो गड़बड़ी होगा तो ब्रैकेट दे लीजिएगा माइनस के बाद। अब क्या कर देना है इसमें कि x=4 पुट कर देना है, पुट x=4, √5-x को 4/3 प्लस एक्स को 4, ये कितना हो गया, 5 में 4 जाएगा 1, 1 का रूट निकालिएगा तो 1, 5 जोड़ 4 होगा 9, 9 का रूट 3, ऊपर कितना 2, नीचे 6, काट दीजिए -1/3 हो गया आंसर। कहिए कोई परेशानी आदित्य तुमको रे, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा बुआ। 11 के बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए 4-5 को क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग आ जाएंगे फॉर्मूला वाला पे, हमारा मेन टारगेट होगा फॉर्मूला सीखना, ठीक। हम मेन टारगेट क्या लेके चलेंगे, फॉर्मूला को सीखना, वो कल हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज का सभा यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल।